बेउर में जाके इन्होंने अपना हुलिया बदला, काफी दिन से इन्होंने अपनी दाढ़ी बढ़ा ली थी, उसके बाद अपने आप को क्लीन शेव करवाया और क्लीन शेव करने के बाद ये आरा में भाग गए शाहपुर थाना अंतर्गत, यहाँ से काफी घात लगाने के बाद और बहुत प्रयास करने के बाद इनकी गिरफ्तारी कर ली गई। इस तरह से कमेश्वर सिंह हत्याकांड की गुत्थी पुलिस के द्वारा मात्र 24 घंटे के अंदर अंदर सुलझा ली गई है। हम लोगों को सीसीटीवी फुटेज मिली है और कई ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिसके आधार पर हम लोग इसका स्पीडी ट्रायल करवाएंगे। इनके साथ इनका एक भाई था जो साथ था इनके, वो उसको साथ लेके आए थे। दो ही लोग इसमें थे, जो मेन शूटर था यही था राम तिवारी। मर्डर वेपन की तलाश हम लोग कर रहे हैं। इनका कहना है कि जब ये भाग रहे थे ऑटो से तो इन्होंने कहीं पे उसको फेंका है, पुलिस लगातार उसमें तलाश में लगी। हम लोगों को उम्मीद है शाम तक वेपन मिल जाए। भाई का नाम? भाई का नाम है कृष्णा तिवारी। अपना भाई, सहोदर भाई? अपना सहोदर भाई है। गोली कौन चलाया था? गोली यही चलाया था, राम तिवारी चलाया। प्लानिंग कब से थी? प्लान कर रहा था करीब 15-20 दिन से लगातार प्लानिंग कर रहा था, और कल ही आया वहाँ पे करीब 11-20 बजे ही ये वहाँ पे एंटर कर गया और घात लगा के बैठा था। जैसे ही वो वहाँ पे आए उनको सिर में गोली मारी और पॉइंट ब्लैंक रेंज में गोली मार दी। दिन दिहाड़े एक सिक्योरिटी कंपनी के मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद अनुसंधान के क्रम में मात्र 2 घंटे में पुलिस ने उसकी गुत्थी सुलझा ली। एक ब्लाइंड केस था और 6 घंटे के अंदर अंदर जो अभियुक्त था उसको गिरफ्तार भी कर लिया। कमिश्नर सिंह नाम जो CIS सिक्योरिटी चलाते थे उनका, राम तिवारी नाम का जो अपराधी है जो पकड़ा गया है उसे विवाद चल रहा था। करीब 40,000 रुपया इनका बाकी था उनके पास। 2 महीने पहले उनके पास मैनेजर के नाम रूप में ज्वाइन किए थे और लगातार अपना पैसा उनसे मांग रहे थे। पैसा नहीं देने के कारण इन्होंने कल अपने भाई के साथ आकर इनकी हत्या कर दी। वो एक प्रॉब्लम है।